एक लंबी सांस लें और इस सुकून को महसूस करें, इस खामोशी में जो सुकून है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। हमारे यहाँ जो यहाँ पे आजकल फसल है वो तिल की फसल है। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये कच्ची है और ये थोड़े से हमने पहले लगाए हुए थे, ये पक गए हैं, तो इसलिए हमने इसकी कटाई करके इनको जो है वो खुश्क होने के लिए इस तरह से रख दिया है। ये हमने थोड़े से बाद में लगाए थे इसलिए ये अभी कच्चे हैं, और चंद दिन पहले जो है वो हमने दूसरी साइड पे लगाए थे, वो माशाल्लाह अब तैयार हो चुके हैं। हमने उनकी कटाई भी करवा ली है और उनको इस तरह से हमने उनकी गठियां बना के छोटे छोटे और रखती हैं। अब ये जब धूप में खुश्क हो जाएंगे तो खुश्क होने के बाद हम इसको जो है ना इसमें से इसका बीज निकालेंगे। अब जो वो बीज होगा ना वो होते हैं तिल, मोस्टली आपने वो नान के ऊपर लगे होते हैं और ब्रेड वगैरह के ऊपर भी वो लगे होते हैं ना, ऐठ जान देने वाले। ये इनमें से हम निकाल रहे हैं और ये सेम इसी तरह से जब ये सारे खुश्क हो जाएंगे तो इसमें से हम निकाल लेंगे। वैसे सर्दियों में ना बड़ा मज़ा ही आता है इनको खाने का ना। हम जब छोटे थे ना तो काफ़ी ज़्यादा ये तिल हम रख लिया करते थे, तो उसमें क्या करते थे हम रात के वक्त हम पीटीवी देखा करते थे सीरियल कोई ना, तो सारे बहन भाई हम हमारी वो स्वेटर्स होती थी और स्वेटरों की ना जेबें होती थी, हमने तिल और चीनी जो है वो मिक्स करके स्वेटरों में डालनी उनकी जेबों में और सारी रात खर्च 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 खाते रहना और साथ सीरियल भी देखते रहना। तो बड़ा मज़ा ही आता था यार, वैसे कमाल के दिन थे वो। ये हैं जी तिल, सीसामम। तो आज हम फसलों में आए थे तो हमारी ये फसल तैयार थी, सोचा आप लोगों से शेयर की जाए। तो वैसे ये बहुत प्यारी लग रही है, तिल खा रहा हूँ मैं, बड़े मज़ेदार हैं। वैसे थोड़े से ना कड़वे होते हैं लेकिन सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और इनमें चीनी या शक्कर मिला के खाई जाए तो फिर ज़्यादा मज़ा करवाते हैं। लेकिन अभी इंतज़ार में है, ये जब पक जाएंगे हम इनमें से निकाल लेंगे ना तो फिर हम बनवाएंगे माँ जी से इसके मरिंडे भी और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, जिस तरह हम पहले बनाया करते थे शक्कर में डाल के खाया करते थे। और उसमें क्या होता था, शक्कर होता था, देसी घी होता था और ये तिल होते थे, और सुबह नाश्ते के साथ यार क्या ही मज़ा करवाते थे ये। वैसे तिल की फसल में एक और बड़ी कमाल की चीज़ होती है तिल और कपास की फसल में, और वो हैं चिभड़। ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं लेकिन जो कड़वे होते हैं ना, जुल्म के कड़वे होते हैं, सो देख के खाना चाहिए। अब हमारा पता क्या आइडिया होता था, हम क्या करते थे कि पानी में फेंकते थे, सोचते थे कि जो बैठ जाएंगे वो अच्छे वाले हो जाएंगे, जो तैर जाएंगे वो कड़वे होंगे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता था, फिर भी कोई ना कोई कड़वा निकल ही आता था। वेयर इज चिभड़, आ जा मेरा चन, ये यकीनन मीठा होगा। हमारी जो फसलें हैं ना वो दरिया के बिल्कुल किनारे पे हैं, तो दरिया के भी कुछ व्यूज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। और चिभड़ खाएँगे, वैसे इसको धो के खाएंगे क्योंकि फसलों पे स्प्रे वगैरह करते हैं ना और भी काफ़ी वो सांप और कीड़े मकोड़े ऐसी चीज़ें, तो शायद किसी सांप ने इसे टच किया हो, तो इन चीज़ों को ख्याल में रखना चाहिए, लिहाजा इसको धो के खाएंगे जावे। सो अब जो है हम दरिया पे जा रहे हैं और चिभड़ भी धो के खाते हैं। दरिया पे आ चुके हैं और
पिछले व्लॉग में, दो तीन व्लॉग पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि दरिया का पानी बहुत ज़्यादा था और ये हमारी ज़मीन को जो है वो गिरा रहा था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे जा चुके हैं, तो अभी हमें कोई ख़तरा नहीं है। सो अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है कि सैलाब आने से बच गया और हमारी फसलें बच गईं। जो गईं वो राह खुदा में गईं, लेकिन जो बच गई हैं उस पर हम अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र अदा करते हैं। और अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका लेवल कम हो चुका है, पानी बिल्कुल वहाँ चला गया था लेकिन अभी कम होते 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 यहाँ पे आ गया। और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी फसलें बच गईं। कैसे व्यू चेक करें, मतलब बहुत ही प्यारा है। चिबड़ धोते हैं और वो पहले खा लेते हैं। तो चिबड़ धो लिए हमने, चेक करते हैं कैसे हैं ये। मीठा है ये, बहुत मीठा है। एक ही खाऊंगा, बाकी नहीं खाऊंगा, क्योंकि ऐसे मोस्टली हो जाते हैं ना कि बंदे के पास चार पांच होते हैं वो चिबड़। मेरे साथ अक्सर हो जाता था, मैं हाफ किलो मूंगफली खाता था और हाफ किलो के बाद जो लास्ट वाला उसका दाना होता था ना वो ख़राब निकल आता था। तो ये भी सेम ऐसा हो सकता है, लिहाजा एक दो खाने चाहिए, बाकी जो है ना वो टेस्ट देने चाहिए कि एक दो चिबड़ खाएं जो लास्ट वाला वो गंदा निकले, पहले सारे का सत्यानाश हो जाएगा। मुझे ये नलका बहुत ही अच्छा लगे क्योंकि इसके आस पास जो है वो पौधे हैं, ये यकीनन नेचुरली हुए होंगे, यहाँ पर किसी ने नहीं लगाया होगा। नलका तो किसी ने लगाया होगा लेकिन ये पौधे किसी ने नहीं लगाए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।